हेलो, मैं हूँ नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और News24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा की, वो रेखा जो सालों फिल्मी पर्दे पर छाई रही। आज भी रेखा भले ही फिल्मों में काम नहीं करती, लेकिन उनकी चर्चा लगातार होती है। हम आपको रेखा के बारे में एक जबरदस्त कहानी बताने जा रहे हैं। रेखा जो है कभी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, वो हमेशा से एयर होस्टेस बनने के ख्वाब देखा करती थी। लेकिन रेखा के जो पिता थे जेमिनी गणेशन, उन्होंने कभी भी रेखा की माँ को जो है पत्नी का दर्जा नहीं दिया था, जिसकी वजह से घर चलाने की जिम्मेदारी जो है रेखा की माँ के ऊपर थी और 6 बच्चों को पालने पोसने में उनको बहुत परेशानी होती थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि रेखा अगर फिल्मों में काम करे तो शायद परिवार की स्थिति थोड़ी बेटर हो जाए। तो उन्होंने पहले तो साउथ की फिल्मों में कोशिश की कि रेखा को काम मिले, लेकिन रेखा को वहां काम नहीं मिला। इसके बाद जो है वो बॉलीवुड आई। बॉलीवुड में पहली फिल्म जो रेखा को ऑफर हुई थी वो थी अनजाना सफर। उस वक्त जो है रेखा की उम्र मुश्किल से 13-14 साल की रही होगी और 9th क्लास में जो है रेखा ने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उनको फिल्मों में काम करने का उनकी माँ जो है दबाव बना रही थी। और जब वो बॉलीवुड में इस फिल्म को उन्होंने साइन किया, अनजाना सफर फिल्म रेखा ने इसलिए साइन किया क्योंकि वो जो है हवाई जहाज में सफर करना चाहती थी, वो विदेश जाना चाहती थी। इस फिल्म के हीरो जो है विश्वजीत थे, जो कि उम्र में जो है उस समय 30 साल के थे, यानी रेखा की उम्र से दुगने थे। रेखा ने इस फिल्म को शूट किया, वो जो है उनकी माँ ने उनको लालच दिया कि तुम्हें साउथ अफ्रीका जाना होगा, तुम फ्लाइट में बैठ के जाओगी, वहाँ पे तरह तरह के जानवरों की शूटिंग होगी। तो ये पूरी फिल्म जो है वहाँ पे विदेश में जंगल में शूट हुई और रेखा भी वहाँ गई। रेखा के साथ इस फिल्म में एक बहुत ऐसी घटना घट गई थी जिसकी वजह से इस फिल्म को 10 साल लग गए रिलीज होने में। जी हाँ, इस कहानी के बारे में जो है ये खुलासा होता है कि फिल्म के सेट पर जो है जब कैमरा ऑन हुआ, रेखा से पहले कहा गया कि आपको एक किसिंग सीन देना होगा, जिसके लिए रेखा ने पहले मना कर दिया। लेकिन अचानक जब वो सेट पे पहुंची, कैमरा ऑन हुआ और उनको जो है एक्टर विश्वजीत ने किस करना शुरू कर दिया। करीब 5 मिनट तक किस का वो सीन चलता रहा। सेट पर खड़े तमाम लोग तालियां बजाने लगे थे और रेखा की जो है आंखों से आंसू बह आए थे। और ऐसा हुआ था कि उस समय वो बहुत खुद को उन्होंने ठगा हुआ पाया था, और इसके बाद उन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री में इसकी शिकायत की और इसके बाद इस फिल्म पर करीब 10 साल तक रोक लग गई थी। वहीं विश्वजीत ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि उन्हें जो डायरेक्टर ने कहा था वही उन्होंने किया और इसमें उनकी कोई गलती नहीं। उसके बाद से विश्वजीत और रेखा के अफेयर की भी खबरें आई थी, लेकिन बाद के दिनों में ये सब जो है खत्म हो गया। और रेखा का जब फिल्मी करियर शुरू अच्छा चलने लगा, उसके बाद विश्वजीत के साथ उनका नाम जुड़ना बंद हो गया था। ये फिल्म जो है 1969 में शूट हुई थी, लेकिन ये रिलीज हुई थी 1979 में दो शिकारी के नाम से। सिर्फ इसलिए इस फिल्म को रिलीज होने में इतना वक्त लगा था क्योंकि डायरेक्टर ने रेखा की मर्जी के खिलाफ जो है रेखा से बिना इजाजत लिए जो है वो किसिंग सीन शूट किया था, जिसके बाद इस फिल्म पे रोक लग गई थी। और करीब 10 साल बाद ये दो शिकारी के नाम से ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी। रेखा ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में की। आपको बताएं कि शुरुआती दिनों में रेखा तो हीरोइन बनना चाहती नहीं, तो शुरू में जितनी भी 4-5 फिल्में उन्होंने की थी वो जो है बहुत अनमने ढंग से उसको शूट करती थी, उनका दिल नहीं लगता था। रेखा ने फिल्मों में दिलचस्पी लेनी उस वक्त शुरू कि जब उनको अमिताभ बच्चन का साथ मिला, जब उन्होंने देखा कि उनके को-स्टार अमिताभ बच्चन इतने डेडिकेशन के साथ अपनी फिल्में करते हैं, सेट पे इतने टाइम से आते हैं, एक-एक डायलॉग को बहुत अच्छे से याद करते हैं और रीटेक्स ज्यादा नहीं देते, तो उनसे रेखा ने बहुत कुछ सीखा कि आप किस तरह से प्रोफेशनल होकर काम करना चाहिए। यहां तक कि जब उनको उमराव जान के लिए भी नेशनल अवार्ड मिला था, तब रेखा ने यह कहा था कि मैं इस अवार्ड के लायक नहीं, क्योंकि रेखा को लगता था कि कभी भी उन्होंने एक्टिंग को बहुत सीरियसली नहीं लिया।